अरे रोल तो करने दो यार मेरे को, चाहिए ना मेरे, देखो इसको रोल करो। पास्ता जी वन क्वेश्चन प्लीज, पास्ता सर अरे अरविंद I'm deeply touched and honored by this acknowledgement from CSR Journal. Amit Upadhyay ji is somebody who has always been supportive of the work that we've done in environmental action. And I think there's a lot of emphasis and a lot of space given to environmental protection and stories rooted in environmental protection. I think the simple fact is that for every person who's a parent, and I think in some ways even before I was a parent, I was a daughter. So the basic understanding that planet health impacts human health, and that when the planet is healthy, we will all be healthy. We all want cleaner air for our children to breathe. We all want clean water for our children to breathe, drink. We want clean food for our children to eat. We want systems, ecological systems that support lives, livelihoods, that protect all of us and nurture and help us, you know, grow. And unfortunately, the world we are living in right now is losing all of that. And so we have to fight. Every one of us has to fight. And we have to find ways to fight every day in our everyday lives. It doesn't mean that we need to, you know, go out on dharnas and campaigns and protests, but we need to find solutions in everyday life. And I think as a sustainability ambassador and advocate, my effort has always been to make sustainable solutions, sustainable lifestyle and living accessible to everyone. कि सबको ये समझ आए कि ये कोई भी कर सकता है. हम सब अपना metal bottle लेके हर जगह जा सकते हैं. हाँ, थोड़ा inconvenient होता है, पर at least एक वो काम करने से हम 10,000 प्लास्टिक बॉटल्स को पर्यावरण में जाने से रोक सकते हैं. एक उदाहरण दे रही हूँ आपको. सो लाइक दैट देर आर मेनी एग्जांपल्स एंड आई फाइट एवरी डे. आई फाइट फॉर माय चिल्ड्रन एवरी डे एंड आई सी एवरी चाइल्ड इन माय चिल्ड्रन एंड आई होप कि एक दिन हम सब सेलिब्रेट कर रहे होंगे एक साथ मिलके इस बात का कि finally policies, governments, industries, everybody is working towards environmental protection aur hum sab aage badh rahe hain ek saath. Yeah, there's one good news that Mithun Da is getting Dal Sa Phalke award. Yes, what Mithun Da is a legend and I'm so happy that he's being acknowledged by the Dada Saheb Phalke award. And meri ummeed yahi hai ki unko बहुत सारे अवार्ड्स मिले, क्योंकि उनके जैसा व्यक्तित्व बहुत कम मिलने को होता है. और एंड आई हैव मेट हिम, ही इज़ अ एक्स्ट्रॉर्डिनरी आर्टिस्ट, ये तो सभी जानते हैं, बट इज़ ऑल्सो अ रिमार्केबल ह्यूमन बीइंग. थैंक यू, थैंक यू मैम. बड़ा एक्सलर है.
भैया डर है मेरा कम रहा कैसे हो यार बढ़िया बढ़िया थोड़ा सा काफी सारे माइक लेके खड़े हो तुम चलो आ जाओ कॉन्ग्रेचुलेशन रोला हाँ जी कितना कितना बड़ा ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपको जब आपको इस तरह से अप्रिशिएट मिलता है आपकी आपके काम को इस तरह से सराहा जाता है बड़ी खुशी है इस चीज़ की कि काम पसंद कर रहे हैं फिल्में भी पसंद कर रहे हैं और यहाँ पे CSR जर्नल ने मुझे यू नो एक यूथ आइकन का एक खिताब दिया है तो बड़ी खुशी है इस चीज़ की लेकिन जैसे मैंने अंदर कहा कि ये सिर्फ एक अवार्ड या खिताब नहीं है ये एक जिम्मेदारी है कि अपने काम के माध्यम से अपनी कहानियों के माध्यम से एंटरटेन तो हम करेंगे लेकिन इस पुरस्कार के बाद एक जिम्मेदारी सी महसूस होती है कि यूथ को हम इंस्पायर करते रहें अच्छी कहानियाँ बोलते रहें उनकी आवाज़ बन पाएँ तो बस कोशिश यही रहेगी ये तो आप भी जानती हैं आप मीडिया से हैं क्या चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पे अखबारों में ये सब बात कर रहे हैं खुशी इस बात की है कि जो चीज़ हम कहना चाह रहे थे इस कहानी के ज़रिए से वो लोगों तक पहुंची है लेकिन अभी हम सबको एकजुट होकर बहुत काम करना है पूरे समाज को मिलकर काम करना है हम कलाकार हैं हम अपने ज़रिए से कर रहे हैं आप भी अपनी तरफ से कर रहे हैं और बस सारे एकजुट होकर अगर करेंगे तो कुछ बदलाव आ पाएगा नहीं इट्स ओके यार ये तो चलता रहता है वेरी वेरी वेल गुड टू सी यू हमारी बात ही नहीं हो पाई आज तक इन फैक्ट बट वी विल बिल्कुल सॉरी बेटर लेट देन नेवर एटलीस्ट उनको अब मिल रहा है जाके पर अच्छा है कि फाइनली ये रिकग्निशन मिल रहा है उनको क्योंकि इतने सालों से लगभग 40 साल से उन्होंने हम सबका मनोरंजन किया है ऐसी कहानियाँ कही हैं जो आज भी मतलब एक आर्काइवल वैल्यू है उनकी वो आने वाले 40 साल बाद भी देखी जाएंगी तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम व्हाट नेक्स्ट आई थिंक वो हम बाद में बात करेंगे थैंक यू चलो चलो अरे पीछे हो गए सब ये छोटी लड़की पीछे राइट में मैम राइट मैम यहाँ पर पहले रुकिए मैडम तो सामने देखिए लिखा हुआ नहीं अच्छा समझ उनकी टॉपिक क्या और क्या अच्छा Yes, and if there was one cause that was really close to your heart, what would it be? I've always been very vocal about feminine hygiene. I feel that a woman's health is the most important for any society. So I think that's one cause that I feel deeply for. So, Manushi ji, how are you working towards, how are you lending your voice and your stage towards for that cause? I think I have been actively involved for the last 8 years with this cause where we've seen different stages, but currently, we are working on a product that's great for the environment. So it's India's first 100% compostable sanitary product. But at the same time, we employ women from tribal regions who create this product, and which is low cost as well. So we travel, we create awareness as to how they can manage their hygiene, and we also help them generate employment. Okay, thank you so much. Thank you so much for that. हमेशा से आप rural and voice, आप rural area के and social की हमेशा voice रही हैं. आज आपको trophy भी मिली है. So इसका best moment होगा आपके लिए क्या कहना चाहेंगे? Central जी खुशी होती है जब आपके एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ किया जाता है और कहीं ना कहीं हम जो पब्लिक फिगर होते हैं हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है तो अच्छी बात यह है दैट हम जहाँ भी जाते हैं तो हमें मीडिया का साथ मिलता है तो हम जो भी करते हैं उसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ अटेंशन दैट वी गेट
तो इस तरह के अवार्ड से एटलीस्ट यू नो हमें भी वैलिडेशन मिलता है कि हम इस तरह के काम करते रहें और आगे एक अच्छा एग्जाम्पल भी सेट करें और जो जिस भी जहाँ भी जाएँ किसी ना किसी वे में वैल्यू ऐड करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऑफकोर्स मीन ही इज अ लेजेंड इन द फिल्म इंडस्ट्री एंड आई थिंक दिस इज एन ऑनर विच इज़ मच डिजर्वड एंड आई थिंक वी ऑल लुक अप टू हिम एंड वी लुक अप टू हिज जर्नी एंड आई थिंक एज फैंस इट्स ग्रेट. सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड लॉट्स ऑफ लव टू हिम. आई विश आई कुड टॉक अबाउट एनी बट मे बी नेक्स्ट टाइम. थैंक यू. ये थोड़ा सा विजुअल करेंगे.